नंबर से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। अफ्रीका के कोंगो में 20,000 BC के आसपास की कुछ हड्डियां मिली हैं जिन्हें हम इशांगो बोन के नाम से जानते हैं। और ये जो बोन है ये एक बंदर की काफ बोन है जिसपे कुछ लाइनें खिंची हुई हैं जो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एंड दिस इज द ओल्डेस्ट प्रूफ ऑफ ह्यूमंस यूजिंग नंबर्स। तब से हम नंबरों के पीछे पड़े हुए हैं। वो अलग बात है कि आज भी एग्जाम्स में या फिर बर्थडे या एनिवर्सरी याद करते समय वो हमारा साथ छोड़ देते हैं। और पाई के बारे में भी हमने बहुत पहले सोचना शुरू कर दिया था। 4000 BC से हम पाई के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं। सबसे पहले बेबीलोनियंस यानी कि प्रेजेंट डे इराक के लोगों ने इसकी वैल्यू पता लगाई थी और उन्होंने इसको 3 के बराबर माना था। इसके बाद 1600 BC से रिंड पेपिरस नाम की एक इजिप्शियन बुक मिली है जिसमें पाई का जिक्र है। तो इस किताब को हम सबसे पुरानी मैथमेटिक्स की किताब कह सकते हैं और इसके जो राइटर अहमस था उसको सबसे पुराना मैथमेटिशियन। इसमें पाई की वैल्यू को कुछ ऐसे बताया गया है। कट ऑफ 1/9 ऑफ अ डायमीटर एंड कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर अपॉन द रिमाइंडर, दिस हैज द सेम एरिया एज द सर्कल। यानी किसी सर्कल के डायमीटर से 1/9 पार्ट अगर हम हटा दें तो बचा हुआ जो 8/9 पार्ट है उतनी लंबाई का एक स्क्वायर अगर हम कंस्ट्रक्ट कर दें तो उस स्क्वायर का और उस सर्कल का एरिया बराबर होगा। तो इस स्क्वायर का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, 8/9 का स्क्वायर। और हमने कहा कि इसका एरिया सर्कल के बराबर है तो इससे पाई की वैल्यू आ जाएगी 4 × 8/9 का स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू 3.1605। तो 1600 साल पहले ही हम पाई की वैल्यू के काफी पास पहुंच गए थे। अब चलते हैं 1500 साल आगे आर्किमिडीज के पास। ज्यादातर लोग आर्किमिडीज को बोयंसी या फिर यूरेका वाली कहानी से जानते हैं जहां वो बाथटब में नहाते नहाते बिना कपड़े पहने ही बाहर आ गया था यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए। बट अगर आप आर्किमिडीज से पूछेंगे कि उसका ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था तो वो यूरेका नहीं बोलेगा। आई थिंक ही वुड बी माइल्डली एम्बेरेस्ड जब उसे पता चलेगा कि 2000 साल बाद भी लोग उसकी बाथरूम स्टोरी को सबसे ज्यादा याद रखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज हिज बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, 4/3 πr³ जो हम बोलते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली ही प्रूव्ड इट जस्ट यूजिंग अ स्फीयर, अ कोन एंड अ सिलेंडर एंड यूजिंग द लॉज ऑफ लीवर। आजकल हम इस फॉर्मूला को कैलकुलस से प्रूव करते हैं बट द प्रूफ ऑफ आर्किमिडीज इज सो एलिगेंट and it was 1600 years before calculus was invented. His tombstone still has a cone, a sphere and a cylinder on it. Ab is formula mein pi ki zarurat thi, 4/3 πr³. So Archimedes set on this mission to find out a more accurate value of pi. In fact, this is the last thing that Archimedes did. Roman soldiers were ordered by the king to chop off his head. Aur jab wo aaye, soldiers aaye, to wo zameen pe is tarah ke kaam kar raha tha. To unhone soldiers ko yahi kaha ki bhai mujhe marna hai to maar do, lekin zameen se ye jo formula hai ye mat mitana. So pi ki accurate value ke liye Archimedes ne apni jaan tak de di. Aur Archimedes ne ye kiya ki circle ke perimeter ko do polygons ki help se estimate kiya. Ek polygon jo ki circle ke andar hai jise hum inscribed polygon kehte hain aur ek jo circle ke bahar hai jise hum circumscribed polygon kehte hain. तो सर्कल का पेरिमीटर इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन के बीच में कहीं होगा। और आर्किमिडीज ने हेक्सागन से शुरुआत की, तो अगर मैं सर्कल का जो डायमीटर है वो 1 लूं तो ये जो हेक्सागन है इसका साइड हाफ आ जाता है। देयरफॉर इस अंदर वाले हेक्सागन का पेरिमीटर 1/2 × 6 यानी कि 3 आ जाता है। अब बाहर वाले हेक्सागन की अगर बात करें तो उसकी जो साइड है वो हम निकाल सकते हैं और वो आएगी 1/√3, और इसको अगर 6 से गुणा करें तो एक और पेरिमीटर हमें मिलेगा। तो सर्कल का जो पेरिमीटर है वो इन दोनों रेंज के बीच में होगा। तो ये हमारा पाई की वैल्यू का एस्टिमेशन हो गया। एंड नाउ व्हाट आर्किमिडीज डिड वाज ही इंक्रीज्ड या डबल्ड द साइड ऑफ दिस पॉलीगंस एंड देन 6 से 12, 12 से 24, 24 से 48 और 48 से 96 तक उसने काम करा और 96 पॉलीगंस की सहायता से जो वैल्यू आई वो ये थी, 3 × 10/70 और 3 × 10/71। इन दोनों वैल्यूज के बीच में पाई की वैल्यू है, ये आखिरी आर्किमिडीज का एस्टिमेशन था। आर्किमिडीज ने ये एक ट्रैमल भी बनाया जिसे हम ट्रैमल ऑफ आर्किमिडीज के नाम से ही जानते हैं। तो इसको अगर हम गोल गोल घुमाते हैं तो ये जो दो डंडियां हैं ये सीधी सीधी लाइनों में चलती हैं, लेकिन ये जो गोला है इस पे अगर मैं पेन लगा दूं और ऐसे रख के अगर इसको मैं घुमा दूं तो यही गोले में इलिप्स बन जाता है। तो आर्किमिडीज ने सर्कल का पाई तो निकाला ही, लेकिन इलिप्स बनाने की जो ये मशीन है ये भी इजाद की। और इंटरेस्टिंगली इलिप्स का जो एरिया है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू पाई ए बी, मतलब उसमें भी पाई का जिक्र आता है। इसके बाद करीब 1000 साल तक पाई की यही वैल्यू रही जो आर्किमिडीज ने दी थी। फिर 5th AD के आसपास भारत में आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने भी पाई की वैल्यूज दी। आर्यभट्ट ने 62,832/20,000 बताया और ब्रह्मगुप्त ने √10। उन्होंने ये वैल्यूज कैसे निकाली इसका ज्यादा प्रूफ नहीं है, क्योंकि पहले इंडियन मैथमेटिशियंस संस्कृत पोएट्री में ये शब्द लिखते थे और उन्हीं में से एक श्लोक में ये वैल्यूज मिली हैं।
इसी समय चाइना के सू चुंगची और उसके बेटे सू केंची ने भी पाई का वैल्यू कैलकुलेट करा और ये जो रेंज है ये उन्होंने दी यूजिंग 24,576 साइट्स। आर्किमिडीज के जो मेथड था उसमें वो पॉलीगन की साइट्स को डबल करते गए और 24,576 साइट्स का पॉलीगन इस्तेमाल करके उन्होंने ये रेंज दी एंड दिस स्टूड फॉर 800 ईयर्स। उसके बाद फिर से भारत के माधव जो केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के फाउंडर थे उन्होंने इसके ऊपर और आगे इसके ऊपर काम करा और एक इन्फिनिट सीरीज के माध्यम से पाई की वैल्यू को खोजने का एक तरीका बताया। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि उस इन्फिनिट सीरीज को जितनी टर्म्स आप ऐड करोगे उतना ज्यादा एक्यूरेट आप पाई की तरफ पहुंच जाओगे। तो इन्फिनिट सीरीज के माध्यम से पाई की वैल्यू खोजने का ये सबसे पहला इंस्टेंस था और वो सीरीज ये थी 1-1/3 + 1/5 - 1/7 + 1/9 & so on। जितनी ज्यादा आप टर्म्स ऐड करेंगे उतना एक्यूरेट आप पाई की वैल्यू के पास पहुंच जाएंगे। तो अगर इस सीरीज की इनफाइनाइट टर्म्स को जोड़ दें तो हमें पाई की एकदम एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी। बट द प्रॉब्लम विद दिस सीरीज वॉज इट वॉज कन्वर्जिंग वेरी स्लोली। अगर हमें पाई सिर्फ दो डेसिमल प्लेस तक चाहिए 3.14 तो हमें इस सीरीज की 300 टर्म्स को जोड़ना पड़ेगा। अगर चार टर्म्स चाहिए 3.1415 तो हमें 10,000 टर्म्स को जोड़ना पड़ेगा और अगर 100 डिजिट तक हमें इस सीरीज के माध्यम से ये पाई की वैल्यू निकालनी है तो हमें इतनी टर्म जोड़नी पड़ेंगी जितने यूनिवर्स में टोटल पार्टिकल्स हैं। एक्चुअली उससे भी ज्यादा टर्म्स जोड़नी पड़ेंगी। देन पीपल कम्पीटेड विद वेरियस एक्यूरेसीज विद सीरीज विच कन्वर्ज फास्टर एंड फास्टर। 1650 में इंग्लैंड के जॉन वॉलिस ने एक सीरीज दी और वो सीरीज ये है कि ऊपर इवन टर्म्स रखो और नीचे जो टर्म्स रखो उसमें इवन जो टर्म ऊपर लिए हो उससे एक में एक कम एक में एक ज्यादा। ऐसे ही आगे बढ़ते जो अगर रहेंगे तो ये पाई बाय 2 पे कन्वर्ज करती है। और आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि जो पाई इतना फेमस सिंबल है पाई का दिस वॉज नॉट देयर टिल 1737। ऑयलर जो कि एक और मैथमेटिशियन थे उन्होंने इसको फेमस किया एंड ऑयलर की जो सीरीज थी वो भी एक इन्फिनिट सीरीज थी जो पाई पे ही कन्वर्ज करती है और वो ये सीरीज थी 1 + 1/2² + 1/3² & so on till infinity। तो ये जो सीरीज को अगर अपन इन्फिनिटी तक जोड़ेंगे तो पाई स्क्वायर बाय 6 पे कन्वर्ज करेगी। 1850 से लेकर 1873 तक इंग्लैंड के ही विलियम शैंक्स ने अपने 20 साल लगाकर पाई की 760 डिजिट्स निकाली। उसके तकरीबन 75 साल बाद फर्ग्यूसन नाम के एक व्यक्ति ने एक साल तक मैकेनिकल कैलकुलेटर की सहायता से पाई की 808 डिजिट्स निकाली। लेकिन उसके 4 साल बाद ही इनियाक जो कि सबसे पहला कंप्यूटर था वो बनकर तैयार हो गया जिसने 70 घंटे में 2037 डिजिट्स निकाल दी। कंप्यूटर्स के आ जाने के बाद पाई की डिजिट्स का जो ये खेल था ये अलग लेवल पे पहुंच गया। अब हजारों नहीं लाखों करोड़ों अरबों या फिर खरबों डिजिट्स निकाली जाने लगी और लोग करते क्या थे एक इन्फिनिट सीरीज को कंप्यूटर में डाल देते थे और जितने समय तक वो कंप्यूटर चलेगा उतनी ज्यादा टर्म्स उसमें ऐड होती जाएंगी और उतनी एक्यूरेट वैल्यू पाई की हमें मिलती जाएगी। एंड द करंट इन्फिनिट सीरीज ऑफ चॉइस वॉज ऑल्सो डेवलप्ड बाय अनदर इंडियन रामानुजन श्रीनिवास रामानुजन। तो पहली जो इन्फिनिट सीरीज थी वो माधव वो भी इंडिया के थे और जो अभी इस्तेमाल हो रही है वो भी इंडियन ही थे। In 1997, Kanada and Takahashi calculated 51.5 billion digits in just over 29 hours at an average rate of nearly 500,000 digits per second. But कई बार ये लगता है कि इतनी सारी करोड़ों अरबों खरबों values जो हमने पाई की digits निकाली उसका फायदा क्या हुआ? नासा की जो लेबोरेटरी है जो इंटरप्लेनेटरी जो मार्स पर जाने के लिए हम calculations करते हैं वो भी सिर्फ पाई की 15 digits में ही काम करती है। In fact, 39 digits of pi are enough to find the circumference of the observable universe to the accuracy of a hydrogen atom. तो फिर लगता है कि इतनी सारे जो जद्दोजहद चल रही है पाई के लिए ये क्यों चल रही है, करोड़ों वैल्यू जो निकाली वो क्यों निकाली? तो इसका सबसे पहला तो ये कारण है कि इसको अपने देश की कंप्यूटिंग पावर को प्रूव करने का एक प्रॉक्सी मान लिया जाता था। तो जितनी ज्यादा हम वैल्यूज निकाल रहे हैं उतने हमारे पास कंप्यूटेशनल पावर है। दूसरा, पाई इज अ वेरी गुड रैंडम नंबर जनरेटर और पाई की वैल्यूज को कंप्यूटर चिप्स को टेस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करा जाता है। तो अगर आपकी 1 करोड़वीं पाई की डिजिट्स या 50 करोड़वीं डिजिट्स आपने कंप्यूटर ने सही निकाली है तो वो सही काम कर रहा है, ऐसा मान सकते हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो ये कि इंसानों को शुरू से ही कुछ नया करने की चाहत रही है। भाई माउंट एवरेस्ट है उस पर चढ़ गए, ऊपर जाके तो ऑक्सीजन भी कम हो जाती है पर हमें उस पर चढ़ना है। तो ये जो नया करने की कुछ जो चाहत होती है ह्यूमैनिटी की दिस हैज ऑल्सो टू डू विद वी कैलकुलेटिंग 5 trillions ऑफ डिजिट्स ऑफ पाई। और इसी चाहत में 2019 में गूगल के एक एम्प्लॉई एमा हरुका ने 31.4 ट्रिलियन डिजिट्स पाई की निकाल के एक नया रिकॉर्ड बनाया। बट रिकॉर्ड तो ऑफकोर्स टूटने के लिए होते हैं। तो 2020 में टिमोथी मलिकन नाम की एक और व्यक्ति ने 50 ट्रिलियन डिजिट्स निकाल के उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इनफैक्ट यू कैन डाउनलोड ऑल दीज 50 ट्रिलियन डिजिट्स ऑन योर कंप्यूटर।
तो 4000 BC से 2020 AD तक की ये जो लंबी यात्रा थी, इसमें पाई की वैल्यू निकालते निकालते कितने ही लोग निकल लिए, लेकिन पाई की असली वैल्यू अभी तक नहीं निकली है।